हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो अपना प्लांट शेयर कर रही हूँ उसको कहते हैं ट्यूबरोज, या हिंदी में कहें तो रजनीगंधा। और जैसे कि इसके नाम से डिफाइन होता है कि रजनीगंधा मतलब कि इसमें से जो खुशबू आती है बहुत ही अच्छी और काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है इसमें से, और इसके जो फूल होते हैं उनमें से। तो बंचेस में इनके फ्लावर्स आते हैं, एक स्टिक निकलती है तो पूरी स्टिक वो जो है फूलों से भरी हुई होती है। तो बुके वगैरह बनाने में ऐसे स्टिक्स जो फूल हैं वो यूज़ होते हैं। और उसको आप अपने इंडोर अपने घर में अगर रखोगे पानी में, किसी वास में पानी डाल के, तो उसकी जो खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाती है। तो आप अगर कोई फ्रेग्रेंट प्लांट लगाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसके जो फूल हैं वो भी काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे इस पॉट में लगे हुए हैं ये, और इसको बल्ब के साथ ग्रो किया जाता है। किस तरह से ग्रो किया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो इस वाले पॉट में मैंने इसके 2 से 3 बल्ब लगाए थे जब मैंने लगाए थे, तो 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम में मैंने इनमें से निकाल दिए थे, तो देखिए अब ये फिर से इतने मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो इतना हार्डी प्लांट होता है ये ट्यूब रोज का, एक बार आप अपने गार्डन में ले आइए और बस ये फिर आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। जब तक आप पॉट में से इसकी पूरी मिट्टी निकाल के नहीं फेंक देते हो तब तक ये आपकी मिट्टी में आपके पॉट में रहेगा और कभी भी नहीं निकलेगा। इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल घास के जैसे होते हैं, जो कि समर सीज़न में हमें बहुत ही अच्छा देखने को लुक देते हैं, क्योंकि हमारा जो गार्डन है इसे हरा भरा बना रहता है, जिसमें जो कि हमें हरियाली चाहिए होती है अपने गार्डन में या अपने घर में गर्मियों में, क्योंकि हरियाली ही होती है जो हमें ठंडक प्रदान करती है गर्मियों में। तो ये गर्मियों का ही प्लांट है, गर्मियों में इसमें फूल आते हैं, गर्मियों में ही इसको हम ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही समर आती है तो फिर से ये हमारे गार्डन में दस्तक दे देता है और अपने आप ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितने सारे इसके यहाँ पे प्लांट बने हुए हैं। तो जैसे ही अभी थोड़ी और गर्मी आएगी तो 1 महीने के अंदर अंदर इसमें से फूल जो निकलना है स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो फूल निकलेंगे उनकी जो स्टिक है कम से कम 3 से 4 इस पॉट में निकल जाएंगी। तो आप इस प्लांट को जो है बॉटल में भी ग्रो कर सकते हो। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड पहले एक वीडियो बनी हुई है, मैंने बॉटल में भी इसको ग्रो किया है और छोटे से प्लांटर में भी इसको ग्रो किया है। और साथ देखिए यहाँ पर मैंने एक फाइकस का प्लांट भी लगा दिया था, एक्चुअली में मैंने लगाया वही था लेकिन ये फिर से निकल आए और इन्होंने अपना जो जगह है यहाँ पे बना ली है। तो 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और सारे के सारे इसके जो बल्ब हैं अभी छोटे ही होंगे क्योंकि अभी मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सिंगल बल्ब बना हुआ है तो इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल छोटा सा बल्ब होगा, काफ़ी मैच्योर नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी इसको लगाया है। तो इसकी जो बल्ब है बिल्कुल लहसुन की जैसे कोई कली होती है इस तरह से होते हैं, तो इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो अभी मैं आपको इसको पॉट में भी लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो इसके कली के नीचे देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स बनी हुई हैं और कुछ ही दिनों में ये और प्लांट जो है इसके साथ बनने के लिए तैयार भी हो गया है। तो इतना हार्डी है कि आप इसको ऐसे मिट्टी में बस लगा दो और बस इसको रोज़ पानी देते रहो तो अपने आप ही मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो इसमें एक कनेर का प्लांट लगा हुआ है जिसके साथ मैंने इसको लगाया हुआ है, और एक ये और पॉट है इसमें भी मैंने इसकी एक ही बल्ब लगाई थी और फिर मैंने निकाल दी थी। तो अब देखिए फिर से ये ग्रो हो गई है। तो इस वाले पॉट में जो है मेरा पीपल का प्लांट लगा हुआ है जो कि अपने आप ग्रो हुआ है, तो इसको मैं जो है अभी बोनसाई की शेप देना चाहती हूँ जो कि अभी धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है। तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसकी जो बोनसाई बनाने में। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अगला वाला पॉट जिसमें कि बहुत सारे रजनीगंधा लगे हुए हैं। तो इसमें भी मैंने इसके 3 बल्ब लगाए थे लास्ट ईयर में और इस बार फिर से ग्रो हो गए हैं। आप देखिए इसमें से भी जो है फूल निकलेंगे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। ये मेरा पॉट जो है काफ़ी वाइड है और इसमें लगे हुए भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक